फिलहाल तो सर एक कैंडल हो गया खोखरो, और मेरी मम्मी लोग को जिसमें सेलिब्रेट करूँगा सोचा था वैसे नहीं कर पाया। और ये मैं ग्रीन वर्ल्ड से लेकर आया था दोस्तों। फिलहाल दोस्तों हम लोग का पार्टी होता है स्टार्ट, मेरी माँ और भाभी काटेंगे केक। तो काट मम्मी, काटे भाभी अभी साथ में। हैप्पी मदर्स डे मम्मी और भाभी का। उम्र तू भी बोलना नहीं थी, बहुत लंबा रहे और हमेशा खुश रहे हैं ना नीति। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? ऐसा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना अपना काम कर रहा हूँ। मेरा नाम सर तरुण, आज आपको जैसे कि छोटा मोटा ब्लॉग वीडियो बनाता रहता हूँ दोस्तों। तो आज स्पेशली हूँ मैं झारखंड में, और एक दो दिन से समथिंग दोस्तों मैं एकदम रेगुलर अपडेट नहीं दे पाता, क्योंकि वीडियो जैसे बन रहा था वैसे ही अपलोड कर रेगुलर मैं हूँ यूट्यूब में। तो लेकिन मेरा बिहार से जब रिटर्न आया दोस्तों तो थोड़ा सा तबीयत ख़राब होने की वजह से थोड़ा सा किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा था। तो फिलहाल दोस्तों अभी मैं हूँ कोरकोट टोली में जो है झारखंड में। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर ड्रोन शूट करके दिखाऊँगा कि ये बस्ती कैसे दिख रहा होगा। तो फिलहाल दोस्तों बने रहिए, देखते रहिए। ये प्यारा सा गांव दोस्तों देखिए, हाओ बहुत खूबसूरत लग रहा है। और मैं मम्मी नानी और मेरी बड़ी मम्मी और नीति और बाबू के साथ मैं आया हूँ। मेरी मम्मी और नानी लोग सब कोई आगे चले गए हैं दोस्तों, और मैं पीछे में हूँ। और वो है मेरी कार, वहाँ पर मैंने कार पार्किंग किया है। और यहाँ पर उसका जो सिस्टम है दोस्तों इसको दिखा रहा हूँ, देखिए ट्रांसफार्मर को पत्थर में रखा गया है, बोले तो प्लास्टर करके अच्छा लग रहा है। ये गांव मस्त लग रहा है दोस्तों, वाह। इस गांव का कोरकोटोली ड्रोन शूट करके दिखाऊंगा आप लोगों को, अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा। और ये है झारखंड, हम लोग झारखंड में फाइनली इंटर कर चुके हैं, अच्छा लग रहा है दोस्तों वाकई में। ये गांव कोरकोट टोली मुझे बताया, मैं एक नाना भी है रिश्तेदारी में लगता है नाना, उनके साथ भी आया, वो भी हैं साथ में, और नीति बाबू बड़ी मम्मी और मम्मी मेरे साथ में ही हैं, तो उनके साथ में आया हूँ दोस्तों। और कुछ वैद्य वैद्य के पास आए हुए हैं हम लोग, वो सब चीज़ को तो नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है थोड़ा सा समझ में नहीं आया मेरे को। लेकिन मैं फिलहाल दोस्तों बन रही बना देख रही हूँ, यहाँ पर सिमली पेड़ लग रहा है मुझे लगता है। फिलहाल दोस्तों आप लोग बने रही वीडियो में और देखते रहिए और क्या क्या दिखा पाता हूँ, क्योंकि छोटा सा गाँव मुझे लगता है काफ़ी बड़ा है। देखते हैं ड्रोन के माध्यम से अगर दिखा पाऊंगा तो कितना बड़ा दिखेगा। ये गजब का फोटो जा रहा दोस्तों। फिलहाल दोस्तों हमारे बाबू को पानी का प्यास लग गया है, तो हम लोग गाड़ी की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि गाड़ी का बोतल नहीं बल्कि तो पानी का बोतल गाड़ी में है। और ये कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं जाऊँ समझ नहीं आ रहा इसको, किधर से जाना है किधर से जाना है। गाड़ी यहाँ पास खड़ा किए दोस्तों, वहीं पे जा रहे हैं क्योंकि पानी की बोतल गाड़ी में है, तो उसको लेकर आएंगे। फिर बोले तो ये थोड़ा ढकार मार लेगा, पानी प्यास बुझा लेगा। और अभी तो मुझे लगता है सुबह का समय है दोस्तों, और सुबह का समय है तो ज़्यादा पानी प्यास भी नहीं लग रहा है, लेकिन दोपहर होगा जैसे ही वैसे ही बहुत ज़्यादा पानी प्यास लगने वाला है, क्योंकि आजकल का समय ऐसे है धूप का समय है, वाकई में ज़्यादा पानी प्यास लगता है। और मुझे तो सुस्ती सुस्ती लग रहा है दोस्तों, क्योंकि थोड़ा सा तबियत वगैरह भी ख़राब है, और तबियत ख़राब होने की वजह से थोड़ा सा सुस्ती सुस्तीपन लग रहा है। और ये है मेरा बाबू
जो जा रहे हैं लोग गाड़ी की ओर। कैसे कैसे ठीक है? तो फिलहाल दोस्तों लोग वो गाड़ी है वहीं पर जाते हैं और पानी पीते हैं बाबू के साथ। मुझे तो पानी प्यास नहीं लग रहा है, लेकिन फिलहाल दोस्तों बने रहे वीडियो में और देखते रहिए। यहाँ पर दोस्तों साल वृक्ष लगा हुआ है, बहुत खूबसूरत लोकेशन लग रहा है दोस्तों, ये देखिए। और मैं इधर कार पार्किंग पे बोले तो कार को यहाँ खड़ा किया हूँ और थोड़ा सा इधर टहलने के लिए आया था और थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए आया था, क्योंकि बताया ना तबीयत खराब है मेरा करके। तो फिलहाल अभी हम लोग बढ़ते हैं उधर, वहाँ बच्चे लोग खेल रहे हैं दोस्तों। और मैं जब ड्रोन निकालूंगा और यहाँ का ड्रोन शूट करूँगा तो पता नहीं कितने बच्चे लोग आते हैं और कितने बड़े लोग आते हैं। ये फिलहाल मेरा बाबू है ये जो मेरा साथ देने के लिए आया हुआ था ना, बाबू मेरा साथ देने आया था। तभी हम लोग फिलहाल दोस्तों चलते हैं लोग मम्मी की ओर, बोले तो मेरी मम्मी बाबू की दादी। फिलहाल दोस्तों मेरे रिपोर्ट में देखती रही। बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है दोस्तों जब तबीयत ख़राब होता है और मेरा वही कंडीशन है। और मैं दोस्तों स्पेशली अब लाइफ आने का भी सोच रहा हूँ कि लाइफ आके जो भी कमेंट किए करते हैं उनको सही ढंग से उसी टाइम आंसर दे दूँ, लेकिन अभी तक डिसाइड नहीं किया कि कब लाइफ आऊँगा। तो फिलहाल इस चीज़ के बारे में मैं सोच रहा हूँ और कब एक महीने में लाइफ आना है या दो सप्ताह में। तो फिलहाल इस चीज़ का भी मैं सोच रहा हूँ, तो सोचूंगा और बहुत जल्दी आप लोग के साथ शेयर करूँगा। तो फिलहाल दोस्तों अभी मैं हूँ कोरकटोल में। तो फिलहाल दोस्तों मैं बना देख रही हूँ। फिलहाल दोस्तों मुझे लग रहा है कमजोरी टाइप का कुछ हल्का सा, क्योंकि तबीयत ख़राब है बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन सुस्ती बन ऐसा लग रहा था दोस्तों। और भी लोग हैं जुगान का नाम बताया था वही गांव में है, बोलते झारखंड है, इस झारखंड में है। और जा रहे अपने कार के पास क्योंकि मम्मी लोग को जो पूजा पाठ करना है वैदगिरी जहाँ पर आए हुए हैं वैद के पास, बात पीरा वगैरह को लेके आए हैं और थोड़ा सा समय लगेगा मुझे लग रहा है। लेकिन हम लोग बोले कि कार में आते हैं और कार में बैठते हैं। तो फिलहाल दोस्तों मैं भी करता हूँ यहाँ से ड्रोन शूट, क्योंकि आप लोग को दिखाता हूँ ड्रोन शूट के माध्यम से कि हम लोग जिस गांव में हैं वो गांव अगर हम ऊपर देखें तो कैसे दिख रहा होगा, कितने जंगल के बीच में है ये गाँव। तो फिलहाल दोस्तों बन रहे वीडियो में देखते रहिए। फिलहाल दोस्तों मैं गाँव हूँ और गाँव का रोया दिखाता हूँ मूर्ति लोग। कौन लिख छत्तीसगढ़ से बहुत सही जल नहीं, गुमला जिला है बहुत सही, जसपुर से ना जसपुर से है कि ठीक है नाम का है डोमन गोप। हाँ डोमन गोप, डोमन गोप नाम लिखूं के मार नहीं लिखूं जा ठीक है। अच्छा नाम मोर नाम दशरथ है। हाँ दशरथ है मोर नाम दशरथ की दशरथ ठीक तब ना। अच्छा बाबा का नाम महावीर। महावीर अच्छा ठीक है। नाम लिखूं के मार अरे नहीं लिखो जान है बाबा
ठीक है तो मैं ठीक जाए ठीक है बेटा ठीक है बाबा हाँ ठीक माइकल हाँ हाँ ठीक है माइकल। फिलहाल दोस्तों मैं नहाया भी नहीं हूँ और हम लोग आ गए झारखंड और जो बूढ़ा का सिचुएशन तो देखे गांव का तो ही कंडीशन होता है और मैं भी झारखंड में हूँ दोस्तों। झारखंड का अलग ही एक रीति रिवाज होता है और रहने सहने का जो सिचुएशन होता है हड़िया दारू नशा धूम्रपान वगैरह ये सब का अलग ही लेवल पे वो रहता है। अपने अपने एरिया पे अपने अपने हिसाब से जो भी रहता है सारा जी रहता है दोस्तों। फिलहाल मैं भी ड्रोन शूट करता हूँ और देखते हैं दोस्तों कितने लोग आते हैं और क्या है। तो फिलहाल दोस्तों बन रही वीडियो में देखते रहिए। फिलहाल दोस्तों मैंने ड्रोन शूट किया, कोई भी नहीं आया दोस्तों क्योंकि यहाँ पर गांव है और हम लोग भी ऐसे स्थान में खड़े हैं जहाँ पर कोई आता जाता नहीं होगा ऐसा लगता है। और जहाँ पर आते जाते होंगे वहाँ पर तो हम लोग अच्छे से एड्रेस भी नहीं पता दोस्तों, लेकिन लोग यहाँ से डायरेक्टली ड्रोन उड़ाए थे और इस गाँव को जो गाँव है आप लोग को पहले ही बताया हूँ उस गाँव को बताया था और इस गाँव को दिखाया भी। और यहाँ पर काफ़ी जंगल दोस्तों इधर उधर देखा मैं, लेकिन खेत खलिहान भी है ऐसे भी दिखा। ड्रोन के माध्यम से जो शूट किया था उसमें आप लोग को दिखाई होगा। तो आई होप मेरे को लगता है कि ये वाला वीडियो मेरा आप लोग को अच्छा लगा होगा दोस्तों, क्योंकि मुझे लगता है कि लगभग इस वीडियो को मैं कम्प्लीट कर चुका हूँ और अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं घर की ओर। फिलहाल दोस्तों आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा और भी ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।